पड़ा जी। अस्सलाम वालेकुम, आज हमारी किचन में बन रहे हैं चपली कबाब बच्चों की फरमाइश पे। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के प्याज और साथ में 5 हरी मिर्चें, और इनको अब मैं चॉप कर लूँगी। इनको चॉप करने के बाद इसमें मैंने ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इस तरह से हाफ पीसेस में उनको आप कट कर लें, और इसको भी हम चॉप कर लेंगे। अब इसमें जो से मसाला जात जाएंगे वो आप नोट कर लें। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच मैंने धनिया लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, और 1 चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच मैंने लिया है इसमें बेसन, और साथ में 1 चम्मच गोल धनिया। ये ऑलमोस्ट 1 केजी कीमा है। आप बीफ या मटन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई कंपल्शन नहीं है। अब ये सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 अंडा इसमें यूज़ होगा, अंडा बहुत ज़रूरी है, अंडा ज़रूर डालिएगा वरना कबाब टूटने लग पड़ेंगे। इन सब को हमने मैश कर लिया अच्छे से। अब इतना हम तकरीबन कीमा हाथ में लेंगे और ओवल शेप के हम लोग कबाब बनाएंगे दोनों हाथों की मदद से। इस तरह से आप बना लीजिए। 1 टमाटर के मैंने स्लाइसेस करके रखे हुए हैं, जब आप इसको शेप दे लें तो उसके ऊपर 1 टमाटर का स्लाइस लगा दें। बहुत ही इजी रेसिपी आप लोगों को दे रही हूँ जो मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी, ना ही इसको बनने में देर लगेगी और ना ही पकाने में देर लगेगी। खाने में तो उससे भी कम टाइम लगेगा। खाने में तो बेटा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे जी। कबाब बन के रेडी हैं, शेप इनकी देखें कितनी खूबसूरत आई है, बिल्कुल बाजारी शेप आई है। और अब हम इसको शेलो फ्राई करेंगे। अगर आपके पास तवा है तो आप उसके ऊपर कर लें, फ्राई पैन है तो फ्राई पैन में आप लोग कर सकते हैं। हल्की आंच पे, मीडियम टू लो आप लोग इसकी आंच रखें, इसकी जो से फ्राई करने के लिए। बहुत लाइट आंच पे रखेंगे तो फिर नहीं फ्राई हो सकेंगे, तो मीडियम टू लो आप लोग रख सकते हैं। एक तरफ से फ्राई हो जाए तो इसको बहुत प्यार से, बहुत नरमी से इसको आप दूसरी तरफ से यूं करके पलटा दीजिए जी। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब बन के रेडी होने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत इनकी शेप बनी है, बहुत ही खूबसूरत इनका कलर आया है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। कबाब बन के रेडी हैं, प्रेजेंटेशन देखिए कितनी प्यारी हुई है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है। इसको आप दही के रायते के साथ खाएं और इंजॉय करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।